तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज जो हम प्रोग्राम डिस्कस करने लगे हैं वो प्रोग्राम हमारे पास ये है कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं सी प्लस प्लस में विद यूजिंग दी क्लासेस, और उसमें हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा सर्कल। और सर्कल के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, जिन फंक्शन का एक फंक्शन का नाम होगा गेट रेडियस और एक फंक्शन का नाम होगा कैल एरिया, ठीक है जी, ऑफ सर्कल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस फंक्शन में बेसिकली हम इसमें जो है फंक्शन के अंदर जो हम एक फंक्शन बना रहे हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि फंक्शन शुड गेट द वैल्यू फ्रॉम द रेडियस, ठीक है जी। रेडियस से वो वैल्यू लेगा और रेडियस की वैल्यू कहाँ से आएगी, यूजर से लेगा, ठीक है जी। और उसके बाद वो कैलकुलेट करेगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जी, ये हमारा काम है। तो जी हमने दो फंक्शन बनाने हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है, एक गेट रेडियस के नाम से फंक्शन होगा, दूसरा कैल एरिया के नाम से। और हम दोनों में क्या करेंगे कि हम रेडियस की वैल्यू यूजर से लेंगे और उसके बाद हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे सर्कल का। सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए, वो हम यूजर से लेंगे और वो वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। इस तरह का प्रोग्राम हमने बहुत दफा नॉर्मल प्रोग्रामिंग में किया हुआ है, तो अब यही प्रोग्राम हम यूजिंग दी क्लासेस हम इसको करना चाहेंगे। अब आप देखिएगा ये प्रोग्राम कैसे काम करता है क्लासेस को यूज करके, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करने लगे हैं, अपनी क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम है हमारे पास सर्कल, ठीक है जी। सर्कल हमारे पास एक क्लास हो गई है, ये हमने क्रिएट कर दी। अच्छा, इसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या है, हमने फंक्शन अब इसके अंदर हमने जो है वो अपना रेडियस निकाल बनाना है। रेडियस के लिए हमें को वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो रेडियस की वैल्यू जो है वो फ्लोट में आ सकती है, यानी फ्रॉम पॉइंट में आ सकती है, तो इसलिए मैं डाटा टाइप इसके लिए ले रहा हूँ फ्लोट, ठीक है जी। ये मैंने फ्लोट ले लिया, अब मैं रेडियस लूंगा रेडियस, ठीक है जी, ये रेडियस हो गया। अच्छा, एक रेडियस हो गया। अब इसके बाद मैं पब्लिक के अंदर अपना फंक्शन लिखूंगा रेडियस के लिए, और फंक्शन में क्या लिखूंगा वो अब आप देखिएगा। मैंने फंक्शन क्या बनाना है, गेट रेडियस, ठीक है जी। जो अभी हमने ऊपर सवाल में डिस्कस किया है, गेट रेडियस के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, गेट रेडियस फंक्शन बना दिया, ये हो गया। इसकी इसकी डाटा टाइप हम ले लेते हैं फंक्शन की, वाइड ले लेते हैं इसकी डाटा टाइप, क्योंकि हमने इसमें रिटर्न कुछ नहीं कराना, तो गेट रेडियस हमने ले लिया। उसके बाद जी अब आगे जो है हमारे पास ये है कि हम इसमें वैल्यू करेंगे सी आउट, एंटर, रेडियस, ठीक है जी, एंटर रेडियस, इस तरह से रेडियस एंटर होगा। ठीक है, तीन हो गया, आगे रेडियस, अब एक हम फंक्शन बनाएंगे इसका सम कैलकुलेट करने का, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको निकाल देते हैं यहां से, ये फालतू ब्रैकेट है, इसको भी निकाल देते हैं। अब एक फंक्शन बना रहे हैं हम कैलकुलेट एरिया,
है जी, उसमें हम एरिया कैलकुलेट करके लिखेंगे, किस तरह से होगा वो अब आप देखिएगा। एरिया ऑफ सर्कल, इसमें हमें पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, 3.14 होती है पाई की वैल्यू, 3.14। इसके साथ हम ये मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और रेडियस को इस तरह करके लिखेंगे। बाकी सलाउद्दीन प्रोग्राम बड़ा आसान था, आपसे क्यों नहीं हुआ था यार, बड़ी हैरत की बात है। अगर ये प्रोग्राम आपसे नहीं हुआ तो फिर तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए। अच्छा जी, इस तरह करके ये बना दिया। अब मैं यहाँ पे अपना वो क्रिएट करूँगा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है जी, सर्कल। अच्छा उसके बाद जो है वो क्या ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, सी के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी रहे। ये मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद नीचे आ जाएंगे और सी से हम दोनों फंक्शनों को कॉल करेंगे। सी डॉट, पहला फंक्शन हमारे पास क्या था, गेट रेडियस, गेट रेडियस, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आके हम इसको कॉल करेंगे सी वाले ए के ऑब्जेक्ट से, सी डॉट। अब इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ये सिंपल है, ठीक है जी, कैल एरिया, ये हो, ठीक है जी, ये हमारे पास सारी बात हो गई, ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। अच्छा जी, अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं, ठीक है जी, ये चल गया मेरे पास, आउटपुट शो कराते हैं जी। अब आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो कह रहा है रेडियस एंटर करो, मैं रेडियस एंटर करता हूँ, तो रेडियस 4 मैंने एंटर किया, उससे मुझे एरिया कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये आपका सारा प्रोग्राम है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं जी। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन यहाँ तक, नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है ना एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है जी। इसमें हम क्या चीज डिफरेंट रखते हैं, हम इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफरेंट कर देते हैं, टाइप्स ऑफ पैरामीटर को डिफरेंट कर देते हैं, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर को डिफरेंट कर देते हैं, इस तरह करके हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है वो आपके पास किस तरह से है, यहाँ पे ये चूंकि आप लोग इसको देख लेना अपने तौर पे सर्च करके कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को ये मैंने बताता हूँ कि एक और चीज़ आती है, वो आ जाती है, वो वो है आपके पास डिस्ट्रक्टर, ठीक है जी। डिस्ट्रक्टर क्या चीज होती है, ये कंस्ट्रक्टर का उल्टा होता है, ठीक है जी। डिस्ट्रक्टर जो है ये हमारे पास टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है, जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं किसी क्लास के, ठीक है। क्लास जो है वो क्या करती है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारे पास ऑपोजिट फंक्शन होता है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं डिस्ट्रक्टर की, इतना डिस्ट्रक्टर यूज होगा और फिर उसके बाद हम इसको आगे चलते हैं कि हमारे पास और क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब आपको मैं डिस्ट्रक्टर की एग्जांपल देने लगा हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा आप जी। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं।
तो जी आपके सामने है कि ये क्लास है जो कि एक बनाई गई है सी रेक्टेंगल के नाम से। उस क्लास के अंदर जो है वो हमने वेरिएबल्स को रखा। अब वेरिएबल्स यहाँ पे आपने ऐसे भी रख सकते हैं, आप प्राइवेट में भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया, ठीक है जी, ये वाला सी रेक्टेंगल के नाम से कंस्ट्रक्टर है। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है हमने वेरिएबल्स की वैल्यू को डाल दी है, वेट और लेंथ की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया उसी के नीचे, और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स डिफरेंट कर दिए। यहाँ पे आप देखें कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखें दो पैरामीटर इंसर्ट हो गए, इंट ए और इंट बी, ठीक है। लेकिन नाम दोनों का कंस्ट्रक्टर का सेम है, तो इसको कहते हैं कि ये क्या चीज है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। और अब हमने जो इधर पैरामीटर डिफरेंट किए हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमने विड्थ को ए कर दिया, लेंथ को बी कर दिया, ठीक है जी, ये डिफरेंट हमने कर दिया। उसके बाद हमने सिंपल वही अपना एरिया बनाया और उस एरिया के अंदर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, और उसको फिर हमने नीचे जाके कॉल किया। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया R1 और एक R2, ठीक है जी। तो जब हम R1 करेंगे तो क्या होगा, R2 करेंगे तो क्या होगा, अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है जी। और ये स्टेटमेंट हमने यहाँ क्या किया, हमने अपने एरिया को निकाल लिया, एक एरिया R1 के थ्रू निकाल रहे हैं और एक एरिया R2 के थ्रू। तो होगा क्या कि एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल का जो एरिया 70 आएगा। 70 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है, पहला जब हम पहला हमारा जब चलेगा एरिया, तो यानी कि पहला उसका एरिया वाला फंक्शन चलेगा जब ये, तो इसमें वो क्या करेगा कि वो 5 और 15 को डालेगा, ठीक है। तो 70 आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 15, ये चलेगा हमारे पास, तो ये पहला एरिया आ जाएगा। सेकंड एरिया की वैल्यू आ रही है हमारे पास 75, ठीक है जी। अब ये 75 आपके पास क्यों आ रही है, ठीक है जी, इस पर हम थोड़ा सा अभी गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले आपको मैं ये क्लियर करता हूँ कि ये जो आपका पहला एरिया है वो क्या है, आपका 5 × 15 75, ठीक है जी। अच्छा, पहला एरिया जो है आपका वो आ रहा है 70 आ रहा है। अब ये 70 आपका किस वजह से आ रहा है, ठीक है जी, 70 आपका ये आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू पास कर दी, ठीक है जी। यानी कि पहला हमने आर वन से हमने जो एरिया किया उसमें उसने 5 और 14 भेजा। 5 और 14 वो कहाँ भेजेगा, 5 और 14 वो इस वाले को भेजेगा, इस वाले को भेजेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे वो इसमें चेक करेगा क्योंकि यहाँ पैरामीटर दे सकते हैं, तो इसलिए वो पैरामीटर्स को इस वाले फंक्शन में पास करेगा। ये भी कंस्ट्रक्टर हमारे पास ओवरलोडिंग है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पास की उसने, उसके बाद जो आर टू है वो क्या, कौन सा एरिया करेगा, आर टू हमने जो बनाया है एक ऑब्जेक्ट, वो भी हमने सी रेक्टेंगल का बनाया है, ठीक है जी। अब वो R2 से हम जब दोबारा एरिया अपना करेंगे तो वो किसको पास करेगा, वो हमारे पास इसको पास कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है जी। हम जब उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो ये वाले कंस्ट्रक्टर को चला देगा, और हम उसको अगर पैरामीटर में कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो ये वाले कंस्ट्रक्टर को चला देगा। दोनों कंस्ट्रक्टर एक जैसे ही है, उनके नाम सेम है, लेकिन उसके नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। ये देखें आप, ये पैरामीटर डिफरेंट है और इधर पैरामीटर कोई मौजूद नहीं है, तो इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इस प्रोग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती क्या है। तो ये यहाँ तक ही था। इसके बाद आखिरी चीज जो है आज की डेट में वो हमारे पास है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का एक हमने पहले भी मैंने आपको डिस्ट्रक्टर का फंक्शन बता दिया कि वो उल्टा होता है कंस्ट्रक्टर से। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल एक डिस्कस कर लेते हैं। ये जी क्लास एक बनाई है, क्लास ए, ठीक है जी। क्लास ए हमने क्रिएट की, उसमें हमने पब्लिक में कोई डाटा रख दिया, ठीक है जी। अब पब्लिक में हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर रखा, वो ए के नाम से है, क्योंकि हमने कहा था कि हम अपने जब भी कंस्ट्रक्टर की निशानी ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा जो हमारी क्लास का नाम है, ठीक है जी। तो हमने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके अंदर हमने लिखा आई एम कंस्ट्रक्टर, क्लियर, सिंपल हमने किया। उसके बाद हमने एक डिस्ट्रक्टर बनाया। डिस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं, हम ये टिल्ड साइन लगा देते हैं, उसका भी सारा नाम एक जैसा ही होता है, क्लास के जैसा ही, सारी चीजें सेम होती हैं, बस उसमें एक साइन का फर्क होता है। ये टिल्ड साइन हम लगा दें तो वो डिस्ट्रक्टर बन जाता है। तो फिर हमने उसमें लिखा आई एम डिस्ट्रक्टर। अब हम देखते हैं मेन फंक्शन में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या क्या चीजें हमारी आउटपुट में आएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट हमने कैसे क्रिएट करते हैं, हम अपने क्लास का नाम लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। तो जब मैंने क्लास का नाम लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखा तो क्या होगा रिजल्ट में, मेरे पास एक दफा ये ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें लिखा है आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी।
उसके फौरन बाद ये वाला डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस कंस्ट्रक्टर को खत्म कर देगा, ठीक है जी। तो हमें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों की फंक्शनैलिटी कॉल हो गई, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और डिस्ट्रक्टर ये बता रहा है कि मैंने कंस्ट्रक्टर को भी खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रक्टर का काम, ठीक है जी। यहां तक कोई क्वेश्चन है आपके पास तो मुझे बताएं, हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि जी इज अ डिस्ट्रक्टर व्हेन द प्रोग्राम रन एंड द ऑब्जेक्ट ए वन इज क्रिएटेड, जब ए वन क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर जो है वो डिस्प्ले करेगा मैसेज आई एम कंस्ट्रक्टर, बट व्हेन द कंट्रोल गोज आउट द प्रोग्राम, यानी कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम से बाहर जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारे पास। किस कौन डिस्ट्रॉय करेगा उसको ऑब्जेक्ट को, वो हमारे पास ये वाला जो दूसरा डिस्ट्रक्टर है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और क्या लिखाएगा मैसेज आई एम डिस्ट्रक्टर, ये डिस्प्ले आएगा आपके पास मैसेज के ऊपर, यानी इसका मतलब ये है कि जब आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो आपके इस ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और ये खाली इसका मैसेज लिखाएगा। अब इसके बाद अगर आप इस स्टेटमेंट के बाद अगर आप कोई अपने ऑब्जेक्ट को कहीं यूज करते हो तो वो यूज इस तरह से नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होगा किसकी वजह से, डिस्ट्रक्टर की वजह से। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को और हमने डिस्कस किया कि डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। इसके अलावा हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल की है क्लासेस की, ऑब्जेक्ट की, जिसमें हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया और हमने उसमें रेडियस जो है वो यूजर से लिया। तो ये काम आज हमने आज की क्लास में किए। आज का लेक्चर पार्ट नंबर 4 के नाम से मेरे चैनल IVX टेक्निसिटी पे अपलोड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ठीक है भाई सलाउद्दीन, मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। कोई सवाल हो, कोई चीज हो, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। मंडे को मैं तुम्हें बता दूंगा ग्रुप में, मैं कॉलेज आ रहा हुआ तो हम कॉलेज में ये काम कर लेंगे, ठीक है। कॉलेज में चक्कर लगा लूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।